ये देखिए, सबसे पहले हमें लगेगा ये धनिया बाजार का, हमारा बाजार का है। हमने पैकेट इस तरीके का मिल जाता है, 20 रुपए का 10 रुपए का, इस तरीके का दवाई डला हुआ है, इसीलिए इसका कलर ऐसा है। ओके, तो इसके बाद हमको इसको इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ लेना है। दो दो टुकड़ा हो जा रहा है। ये देखिए, हमने इसको बेलन से तोड़ लिया है, तो ये देखिए सब दो दो टुकड़े हो गए हैं सबके। ठीक है, टूट जाता है तो ये हमको ज्यादा बीज मिल जाते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो तभी तो पौधे होंगे ना, लाइक तोड़ेंगे नहीं तो पौधे कैसे होंगे, लाइक एक में एक पौधा होगा इस तरीके से, ये टूटेगा तो। ओके, ये वाला नहीं टूटा है, सो कोई कोई छूट जाते हैं, बट मोस्टली सब टूट ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए, हमने घर पे जो घर वाला ऐसे ये मसाला जो हमको मिलता है मार्केट में, उसके बीजों से हमने ये धनिया के पौधे लगाए थे, किराना दुकान में जो मिल जाता है हमको, ये उससे लगाया था। और ये हम बीज के दुकान से लाए हुए ये बीजे हैं, उनको हमने पानी में सोक कर लिया था दो चार घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसको लगा रहे हैं। हमने जो मिट्टी है, हमने हमारे चैनल में दिखाया हुआ है किस तरीके से आपको मिट्टी बनानी है, और हमने हमारे मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी स्प्रिंकल किया है ऊपर से, एक मुट्ठी नीम खल्ली दे दिया ऊपर से, और हल्दी हम मिट्टी कैसे बनाया जाता है बीजा लगाने के ऊपर से हमने नीम खल्ली डाला है एक मुट्ठी, और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है बीजा लगाने के टाइम पे, ये करे हैं हम। और ये मिट्टी दिखा रहे, ये देखिए आधी मिट्टी है और आधी आप गोबर खाद ले सकते हैं, आप कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, इसमें बीजा फंगस नहीं आएंगे, और इसमें हल्दी डालने से फंगस नहीं आता है, और इसमें 8-10 न्यूज़पेपर को जला लिए, इसमें आपके पास जो यूजलेस पेपर है और कुछ भी घर में उठे हैं वो सब आप जला के उसके जो राख होते हैं उससे आप यूज कर ले। यहाँ पे ये देखिए, ये जो राख है हमारी, ये हमारे बीजे में डालेंगे, फंगस नहीं आएंगे, इससे फंगस नहीं आता है हमारे बीजे में। बाजार का बीजा है इसीलिए हम 4 घंटा भिगाए, और ये वाला बीजा कैसा लगाया बताते हैं आपको। बाजार का बीजा है इसीलिए हमने इसको 4 घंटे भिगाए, उसको हम आगे बताएंगे वीडियो में। ये देखिए, अब हम लेके इसको कुछ नहीं, बस ऐसी हल्का ऐसी हल्के हाथ से ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे सारी तरफ, चारों तरफ। इसको थोड़ा सा इधर हटा देते, चलो हटो। पहले गमले में पानी डाल देते हम, हमारी मिट्टी गीली थी, हमने ये सब करने से पहले एक घंटे पहले हमने थोड़ा पानी से भिगाया भी था हमारी मिट्टी को, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बढ़िया, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे जो हमने मिट्टी बनाई थी, मिट्टी आधी और आधा हमने गोबर खाद लिया था, और थोड़ा सा टर्मरिक डाला था हल्दी फंगस नहीं लगने के लिए, और बाकी का जो राख हमारे पास था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे।
देखिए अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर से ऐसे हल्के हाथ से, हल्के हाथ से हम इसमें ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। अंडा का छिलका भी उसमें डाल देते गमले में। हम क्या करते हैं, हमारे जो अंडे के छिलके होते हैं, हम जैसे अंडा खाते हैं, आप वेजिटेरियन होंगे तो शायद नहीं खाते होंगे, बट जैसे आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके घर में अंडा का बहुत कुछ बनते रहता है, उसके जो छिलके हैं हम किचन के बाहर गली है वहां पे एक गमला रख दिए, उसमें डालते जाते हैं और फिर हम जब मिट्टी बनाते हैं तो उसको पूरा वो सूख भी जाता है और फिर उसको हम मिट्टी बनाने में उसको डालते हैं, प्रोटीन होता है। देखिए डाल दिया, ये देखिए अब इसमें पानी डाल देते देखिए जैसे आपका कहीं आप पानी डालने के बाद देखेंगे आपका कहीं कहीं सरफेस में आपको बीजा दिखने लगेगा आपका, तो आप ये समझ जाइए कि आपने बहुत कम मिट्टी डाल दी है, तो थोड़ा सा उसको कवर अप कर दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए उसके ऊपर से कि वो मिट्टी के अंदर चले जाए हमारा बीज, ठीक है, और पानी डाल दीजिए। हम आपको बता रहे थे कि हमने घर के बीजे से, जैसे जो किराना दुकान में खाने वाला जो बीजा होता है उससे कैसे बनाया। ताजी बीजा है, जैसे एकदम फ्रेश फ्रेश किराना दुकान से फ्रेश फ्रेश बीजा लेके आएंगे, लाके फ्रिज में रख देंगे और क्या बोलते इसको भिगा के, 4 घंटा भिगा के और फिर एक बोतल में छान के कपड़े में डाल के फ्रिज में 2 दिन के लिए रख दिए थे ढक के, और फिर उसमें थोड़ा सा राख मिला के फिर इसको छिटक दिए थे। देखो इस घर वाला कितना अच्छा हुआ, फिर उसको भी दिखाएंगे कैसा होता है, इतना अच्छा निकला है। देखो देखिए इस तरीके से हमने हमारे बीजों को कर लिया था, इन बीजों को ताजी बीजा होना चाहिए। हाँ बीजा एकदम ताजा होना चाहिए आपका, फ्रेश फ्रेश किराना दुकान से लेके आओ। देखिए कितना बढ़िया उग गया है उधर, ये ही नहीं सिर्फ हमने यहाँ पे भी लगाया था, अब इसमें उग जाएंगे तो बाजार वाला दिखाएंगे। अब हम आगे आपको दिखाएंगे ये वाले कैसे होते हैं। जब आपका धनिया इतना बड़ा बड़ा हो जाए तो इसमें आपको थोड़ा खाद वगैरह डालना है, कंपोस्ट, हम गोबर खाद, कंपोस्ट गोबर खाद वगैरह मिट्टी में मिला के हल्का सा आप डाल दीजिए। ये इस तरीके से आप डाल देंगे बस काफी होगा, फैला के अच्छे से पूरे रूट्स तक जाना चाहिए अच्छे से। बढ़िया, लग गया पौधा, आप खाओगे? और हटिए प्लीज सर, सर प्लीज हटिए। हाँ यहाँ पे हमने और मेथी लगा दी थी बिकॉज हमने खूब सारा भिगा लिया था, और यहाँ देखिए धनिया, हमने काफी सारे बीजे भिगा लिए थे इसीलिए हमने दूसरे गमले में भी लगा दिए हैं इसी तरीके से जैसे आपको दिखाया था। ये देखिए हमने 2 नवंबर के दिन इसको लगाया था और आज 12 नवंबर है, 10 दिन हो गए हैं, ये हमारा पुराना धनिया लगा हुआ है, बट यहाँ पे आप देखिए अभी ये निकलना स्टार्ट हुआ है पौधे। आपको साइज दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए मैं फिंगर के साथ दिखाती हूँ, ये देखिए कितने छोटे छोटे पौधे निकले हैं अभी, और 2-3 दिन से ये निकल रहे हैं पौधे, और फिर धीरे धीरे देखिए
इस तरीके से बढ़ जाएंगे। क्या हुआ था हमारा ये थोड़ा इस तरीके का इसीलिए हो गया क्योंकि ऊपर से हमने डायरेक्ट पानी डाल दिया था बहुत सारा, तो ऐसे हमने नहीं ऐसे डाल दिया था तो ये थोड़ा फैल गया था। बट अब देख सकते हैं, ऊपर से कभी मत डालिए, एक साइड से डालिए और धीरे से डालिए तो आपका धनिया खराब नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, एकदम खड़े रहेगा वो, एकदम ज्यादा ज्यादा टोकनी में जैसे भरा भरा सा होता है उस तरीके का होगा। ये दब गया है ऊपर से पानी डालने के कारण, तो ये गलती आप मत करिएगा। ये हमारे बरसात में बहुत मतलब बरसात का मौसम नहीं है बट एक दिन अचानक बरसात हुई बहुत और यहाँ डायरेक्ट पानी गिरा तो ये हमारे सारे पौधे यहाँ पे खराब हो गए। देखो पानी होने से इसीलिए महंगा हो जाता है धनिया का दाम, धनिया का दाम इसीलिए महंगा हो जाता है जब बारिश होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से बर्बाद होता है, सड़ जाता है बहुत सारा सारा धनिया। ये हमारा धनिया, ये हमारा मेथी, ये देखिए हमारे धनिया एकदम बड़े हो गए। अब एकदम तोड़ के इसको आप सब्जी में डाल सकते हैं, वैसे लेवल पे आ गए हैं। ये हम तोड़ेंगे, ये हमारा थोड़ा सा डैमेज हो गया था जैसे हमने बताया था बारिश गिर के, तो हम इनको आज काट ले रहे हैं पहले। और जैसे ना ये पूरा ना आप एक बार काट लेंगे तो ऐसे नहीं आपको पूरा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप इस तरीके से काट लेंगे और दो मुट्ठी कंपोस्ट और दो मुट्ठी गोबर खाद आप ऐसे दोनों में से कोई एक चीज, अगर आपके पास कंपोस्ट है तो आप कंपोस्ट डाल दीजिए, गोबर खाद है तो गोबर खाद डाल दीजिए, दोनों में से कोई एक चीज लेके आप इस पे ऊपर से छिड़क देंगे तो ये फिर से उन्हीं जड़ों से पत्ते निकलने लगेंगे, ताकतवर हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से हमारे धनिया निकल जा रहा है। कभी भी सैलड बनाए आप, ठीक है, सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी, काफी टाइम होता है हम रात को कुछ बनाते हैं, हमारे पास धनिया खत्म हो जाता है, कुछ पत्ते वत्ते खत्म हो जाते हैं, घर पे बाजार में भी नहीं मिलते, तो ये बहुत अच्छा तरीका है घर पे हम इस तरीके से उगा के रख ले तो ऑर्गेनिक एकदम ताजा ताजा। आप काटिए पौधे हमसे और सब्जी में डालिए और इसके जो पौधे लगे हुए होते हैं आप देख ही सकते हैं किस तरीके से हमने पौधे लगाए हैं, यहाँ मेथी के भी लगे हैं, तो ये जैसे पौधे हैं सबका वीडियो बनाया हमने, तो ये जो पौधे हैं ऐसे लगे भी रहते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं और खुशबू आ रही है इसको जो हम काट रहे हैं अभी, तो पूरी एकदम धनिया की खुशबू आ रही है, देखते हैं हम हरे हरे पत्ते तो अच्छा लगता है। देखिए हमने कैसे बेड बनाया है, इसमें हमने लगाया है हमारे भिंडी के पौधे लगाए हैं हमने, इस तरीके का आप बेड बना लेंगे तो मैं आपको अपने हाथ रख के दिखा दूँ कितना बड़ा है ये, काफी बड़ा है ये, ठीक है, तो आप इसमें अगर लाइक मेथी अगर भाजी वाजी पसंद करते इसमें पूरा फैला के लगा देंगे, धनिया लगा देंगे तो अगर आपके घर में उस हिसाब के यूसेज है तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। हमने इस तरीके के फ्रेम बनाए हैं हमारे लकड़ी के, एक ईंटे के ऊपर चढ़ा के रखा है फ्रेम बना के, और हमने बोरे के दाल और चावल की जो बोरियां होती है वो बहुत किराना दुकान में आपको मिल जाएगी आप मांगेंगे तो, और दाल चावल की जो बोरी होती है वो थोड़ी लाइक उसका मटेरियल अच्छा होता है और थोड़ा लाइक ये हमारा पुच्चू है तो क्या कहते हैं वो उससे पानी आपका लीक वीक नहीं होगा उतना, उस तरीके का आप समझ रहे हैं, थोड़ा मजबूत होता है। इसका भी वीडियो बनाया और इसका भी हमने कैसे बनाया है इसको उसका भी वीडियो बनाया है तो वो भी आप हमारे चैनल में देखेंगे जल्दी। बट इस तरीके से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, अगर आपको उसमें कम पड़ता है तो हम आप देखिए हमारा तो डैमेज था हमारा पूरा ये गमले में आधे से ज्यादा हमारा डैमेज हो गया था, फिर भी देखिए पूरा एक टोकनी इतना सारा निकल गया है, हम फिर से उसमें लगा देंगे तो कंपोस्ट डाल के थोड़ा सा तो वो और उग जाएगा वापस से,
एकदम आपको बीज बीज से एकदम डायरेक्ट पहले से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आप बहुत सारे लगा सकते हैं। आप अगर दो चार गमले में ऐसे लगा दे तो बहुत है, काफ़ी है एक फैमिली की यूज़ के लिए। अगर आप तीन चार जन की फैमिली है और लाइक हर दिन के लिए नहीं बट एज इन हर दिन भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत लाइक अब आप समझ ही सकते हैं हर समय, जैसे अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहा है तो हो सकता है आपको बाहर से लेना पड़े या फिर ज़्यादा थोड़ा लगाना पड़े, हो सकता है कि आपको एक दो गमलों में और लगाना पड़े, बट लाइक काफ़ी होता है इतना धनिया एक फैमिली के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।